देखिए अब हमें यहाँ पे पानी साइड में पानी मिला है, तो हम यहाँ पे गाड़ी वॉश करेंगे और गाड़ी को धोएंगे। ये साधु पुल में ये पॉइंट है, ये थोड़ा सा साधु पुल से आगे है, तो रिजॉर्ट से थोड़ा सा 1000 मीटर आगे। तो आइए अगर गाड़ी को इसमें डालते हैं और पानी में, और गाड़ी को वॉश करते हैं। थोड़ा रास्ता नहीं है पानी के लिए जाने में, पर हम ट्राई करेंगे गाड़ी को ले जाने का, गाड़ी जाती है कि नहीं जाती है, क्योंकि ये हमारी गाड़ी थोड़ी डाउन है, नीचे से लग जाती है, तो कोशिश करेंगे इसको पानी में उतारने की, उतरती है कि नहीं। यहाँ से तो मुश्किल है बट बहुत डाउन है पानी, पर हम कोशिश करेंगे गाड़ी को उतारने की। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखिए भाई, वो डब्बा भी चला गया है मेरा पानी में। कहाँ गया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लगता है गाड़ी को बह गया बहुत बुरी तरह से। कर रहे थे और हमारा गाड़ी धोने का डब्बा ही बह गया पानी में, और अब गाड़ी पानी में फंस चुकी है गाइस। तो देखिए पानी के बीचों बीच हमारी गाड़ी फंस चुकी है और पानी बहुत भर चुका है गाड़ी के पास। ये देखिए, हम ट्राई कर रहे थे इसको यहाँ से पार करने की, बट पानी बहुत गहरा है, तो अब देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी बने रहे हमारे साथ। देखिए गाइस, गाड़ी तो हमने निकाल दी है पानी से बहुत ही मुश्किल से। अब हम गाड़ी को चेक करेंगे कि गाड़ी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, पर मुझे नहीं लगता है कि गाड़ी को भी प्रॉब्लम हुई है। तो हमने इसको पार करने की कोशिश की और हम यहाँ पे फंस चुके थे बीच में, और यहाँ का व्यू तो बहुत ही प्यारा है, पर पानी बहुत गंदा है। ये देखिए, ये आपका साधुपुल से, जो साधुपुल में रिजॉर्ट आता है कैंप साइड से 1000 मीटर आगे है ये व्यू। इसमें 4x4 जिप्सी तो जा सकती है, कहीं भी ले जा सकते हो आप उसको। और यहाँ मंदिर भी है एक पिछली साइड, साथ में ये यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बन रहा है। छोटी छोटी मछलियाँ भी है इसके अंदर।
गाइस, तो अब आपको खत्म। सुबह से हम चले थे बाया भट्टाफर मल्याना मेली और स्नेघाट जुनगा चायल साधुपुल होके हम पहुँच गए यहाँ पे। अब हमारा टाइम हो गया वापस जाने का, तो अब आपको दिखाएंगे वापसी का थोड़ा सा व्यू। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिना भूलिएगा। बस सही आप लोगों से, जय माता दी। तो गाइस, अब हो गया है जाने का वक्त, तो आप भी अब दर्शन करिए और जय माता दी बोलिए। ये दुर्गा माता का मंदिर है यहाँ पे।